देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। इस वक्त की बड़ी खबर दिल्ली से आ रही है। बीजेपी और हिस्सेदारी मोर्चा के बीच सीटों की चर्चा हुई है। इस वक्त की बड़ी खबर बीजेपी से आ रही है। दिल्ली बीजेपी कार्यालय से बड़ी खबर आ रही है। राष्ट्रीय संयोजक के प्रदेश अध्यक्ष से बीजेपी की मीटिंग हुई है। केवट राम धनी बिंद से प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह की मीटिंग। इस वक्त की बड़ी खबर दिल्ली से आ रही है। हिस्सेदारी मोर्चा बीजेपी का नया खेल। दिल्ली से इस वक्त बड़ी खबर, बीजेपी और हिस्सेदारी मोर्चा के बीच सीटों पर चर्चा। बीजेपी कार्यालय पर हिस्सेदारी मोर्चा की बातचीत हुई है। राष्ट्रीय संयोजक ने प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह से बातचीत की है। केवट रामधनी बिंद ने स्वतंत्र देव सिंह से की बात। पार्टी कार्यालय पर सीटों को लेकर की चर्चा। हिस्सेदारी मोर्चा बीजेपी का नया खेल होगा। दिल्ली इस वक्त दिल्ली से बड़ी खबर सामने आ रही है। इस पर और जानकारी के लिए हमारे साथ हिस्सेदारी मोर्चा के संयोजक केवट रामधनी बिंद जुड़ रहे हैं। रामधनी बिंद जी, प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह से आपकी सीटों पर लेकर क्या कुछ चर्चा हुई है? आज दोपहर में भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय लखनऊ में हमारी प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र से मीटिंग हुई, जिसमें हमारे साथ इस मोर्चे के हिस्सेदारी मोर्चा के कोऑर्डिनेटर माननीय आरिज सिंह जी साथ में थे और पूरी सहमति बन चुकी है कि हिस्सेदारी मोर्चा को भी मतलब अधिक से अधिक सीट दिया जाए और इस पर फिर से हमारी कल चर्चा होने वाली है 11 बजे प्रदेश अध्यक्ष के माध्यम से, जिसमें हमारे सभी घटक दल के सभी अध्यक्ष राष्ट्रीय अध्यक्ष रहेंगे और बहुत जल्द ही नया निष्कर्ष निकलेगा कि भारतीय जनता पार्टी हिस्सेदारी मोर्चा में क्या वार्ता हुई सीटों को लेकर। हो सकता है कल के बाद कुछ नया संदेश भी जाए भाजपा हिस्सेदारी मोर्चा के माध्यम से, या कुछ नया खेल भी हो सकता है। हिस्सेदारी मोर्चा नया खेल खेलने को तैयार है, क्योंकि हम अपने भारतीय जनता पार्टी से गठबंधन हिस्सेदारी मोर्चा अपने हिस्से के लिए गठबंधन हमने किया है, न समर्थन न विलय। और आने वाले समय में हम इस उत्तर प्रदेश में फिर से योगी जी की सरकार बनाने के तत्पर हैं। रामधनी जी, जैसा कि सभी पार्टियां अपने अपने प्रत्याशियों का लिस्ट जारी कर दी हैं, तो ऐसे में आपको नहीं लगता कि भारतीय जनता पार्टी थोड़ा विलंब कर रही है? देखिए, ऐसा है कि जो हम हिस्सेदारी मोर्चा के जितने घटक दल सब पूर्वांचल के हैं, सर अभी पूर्वांचल की लिस्ट अभी जारी नहीं हो पाई है। फर्स्ट और सेकेंड लिस्ट जो पश्चिमांचल की है, जो हम पांचवें और छठे और सातवें चरण में हमारी सीटें आती हैं, अभी उसमें बात होनी बाकी है। जब वो लिस्ट निकलेगी तो उसमें हम हिस्सेदारी मोर्चे की लिस्ट जारी रहेगी। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो इस वक्त की बड़ी खबर दिल्ली से आ रही है। दिल्ली भाजपा कार्यालय से बड़ी खबर आ रही है। पार्टी कार्यालय पर सीटों को लेकर चर्चा हो रही है। हिस्सेदारी मोर्चा बीजेपी का नया खेल होगा। फिरोजाबाद में कोरोना का बड़ा धमाका। वह इस वक्त की बड़ी खबर जनपद फिरोजाबाद से आ रही है। जनपद फिरोजाबाद में कोरोना का बड़ा धमाका। एक्टिव केसों की संख्या पहुंची 512। फिरोजाबाद में कोरोना का बड़ा धमाका। आज कोरोना के आए 174 नए मामले। एक्टिव केसों की संख्या पहुंची 512। इस वक्त की बड़ी खबर जनपद फिरोजाबाद से आ रही है। फिरोजाबाद में कोरोना का बड़ा धमाका। जिस तरह से कोरोना के नए मामले लगातार सामने आ रहे हैं, इसी बीच जनपद फैजाबाद कोरोना के नए मामले सामने आए हैं। फिरोजाबाद में कोरोना का बड़ा धमाका। आज कोरोना के आए 174 नए मामले। कुछ भाव पुष्प। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।